मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रवीण उपाध्याय जी मुक्तानगर को आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान प्रवीण उपाध्याय जी युवा हैं, तेज गति से आइए और अपने विचार रखिए। जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। सम्मानित मंच व उपस्थित सभागार में सभी जनजातीय बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि सबसे पहले बात ये रखती है कि समय का ध्यान रखा जाए, तो मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को सब रख करके कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये प्रोग्राम आज हमारे समाज के गौरव श्री छोटनलाल उपाध्याय जी के विषय में हो रहा है, तो उनके लिए मैं दो लाइन के माध्यम से बताना चाहूँगा। नाम उनका छोटन जरूर था, लेकिन शहीदों के लिए जो लाइन है मेरे विचार में वो सरकार है नमन उनको कि जिनके सामने छोटा हिमालय है, नमन उनको कि जिनके सामने छोटा हिमालय है, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। आज हम अपनी बात जो लोगों के सामने रख पाते हैं, उसकी कृतज्ञता हमें मिली है, उसी के कारण रख पाते हैं। तो ऐसे यदि हमारे समाज में गौरव श्री छोटनलाल उपाध्याय जी हैं, तो उनको नमन बार बार करते हैं। अब समाज की जो ख्याल उन्नति या किसी प्रकार की मदद से लेकर जो बात है, तो वो क्रम प्रधान है। अपना यदि हमारा क्रम ठीक है, तो हमें उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता। समाज उन्नति निश्चित रूप से करेगा, और कार्य पर छोटा बड़ा नहीं होता। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो रामचंद्र ने देखा कि एक गिलहरी छोटी सी कुछ मिट्टी उठाकर, कुछ पत्थर कंकड़ उठाकर के राम सेतु पर डाल रही, उसने कहा कि सब सुन ये क्या कर रही, मेरे कहने से मोदा आगे इसमें चप्पन जगह पूछिए बने चलना बनेगा जिले की। जिस दिन राम सेतु की बात होगी, उस दिन मेरा चिकन जुड़ा होगा कि इसने भी इसमें मिट्टी डाली। तो हमें अपने कर्म प्रधान रखकर के कर्म जरूर करना चाहिए। वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता कर्म, वो अपनी शिक्षा के अनुसार, अपने शरीर के हिसाब, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जिसको जो कर्म मिला है वो ईश्वर ने दिया है। ईश्वर से कोई पूछ करके नहीं आया है कि मैं जाकर के कहीं नाली साफ करूंगा या कहीं मजदूरी करूंगा या मैं जाकर अफसर बनूंगा। वो आपके अपने जो आपने चित्रनिर्माण किया है अपना, उसके हिसाब से आपको टास्क मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो स्वाभाविक है आपको कुछ ना कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी, तो नहीं कर सकते। अगर शरीर में ताकत है गुंडागर्दी करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लिहाजा अपने चित्र निर्माण आप स्वयं करते हैं, और बच्चों को यदि सिखाई में सिखाता नहीं हूँ कि काम जरूर करें, छोटा बड़ा ना सोचे, कर्म को प्रदान करें। नमस्कार।